हेलो दोस्तों, कई बार होता है बच्चों को जब वैक्सीन लगती है तो डॉक्टर बोलते हैं बर्फ़ की सिकाई उन्हें करना है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को बर्फ़ की सिकाई कैसे की जाती है। क्योंकि कई बार होता है हम बर्फ़ लेके जब पॉलीथीन में रैप करके लेते हैं और लगाते हैं तो बच्चा एकदम से बहुत तेज़ी तेज़ी से रोने लग जाता है। फिर जो न्यूली मदर होती हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो अब हम सिकाई कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को बर्फ़ की सिकाई कैसे करें ताकि उसकी जो गठान वगैरह अगर आ रही है तो वो भी कम हो जाएगी, बच्चों को जो स्वेलिंग हो जाती है वैक्सीन के बाद वो भी कम हो जाएगी एंड बच्चा पीसफुल होकर सिकाई करवा पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ले लेना है, आपको लेना है आइस क्यूब ले लेना। अगर घर में आइस क्यूब आपके पास है तो वो पॉलीथीन में ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट में इस तरह का आइस पैड आता है वो भी ले सकते हैं। ये पैड जब भी सिकाई करना आप करें, अदरवाइज़ फ्रिज में आप परमानेंट इसको रख भी सकते हैं। तो ये सिकाई का ही आइस पैड है, तो नहीं है तो आप नॉर्मल जो आइस क्यूब है उनको पॉलीथीन में लीजिए और पॉलीथीन को 3 से 4 रैप कीजिएगा, डायरेक्ट आइस को नहीं लगाना है पैर में। तो चलिए सिकाई शुरू करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है आपको, जब जो आपने आइस ली हुई है ना, आपको एकदम से बिल्कुल डायरेक्टली बच्चे के जो एरिया है जहाँ पर वैक्सीन लगी हुई है वहाँ पे एकदम से नहीं रख देना है बहुत देर के लिए। इस तरह से आप 1-1 सेकेंड के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा आप स्टार्ट करें उसकी सिकाई को, वरना क्या होगा अगर आप बहुत देरी के लिए रख देंगे तो बच्चा एकदम से रोने लग जाता है और सिकाई नहीं करवा पाता है। और आप टच करके देखिए, इस तरह फील करके भी देखिए कि धीरे धीरे से जो एरिया है जहाँ पर वैक्सीन लगी हुई है वो धीरे धीरे से हल्की हल्की सी ठंडा होने लग जाएगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, बच्चा काफ़ी पीसफुल होकर सिकाई करवाएगा। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी से इस तरह रख रख के हटाना है पहली बारी में। जब आप देखें कि 5 मिनट हो गया ऐसा और स्किन वहाँ पर ठंडी होने लग जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप 15-15 सेकेंड के लिए इस तरह से रख कर और उठाएँ थोड़ी थोड़ी देर में। उसके बाद आप देखें कि बच्चा जितना भी सहन कर पा रहा है तो धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ा सकते हैं और टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आधे आधे मिनट की सिकाई इस तरह से आप रखें, थोड़ी देर तक भी आप रखेंगे ना तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि वो एरिया उतना सेंसिटिविटी उसकी उतनी मेंटेन हो गई, उस टेम्परेचर की उस ठंडक को सहने की क्षमता जो है वहाँ पर डेवलप हो गई है। जब इस तरह से आप सिकाई करते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा और बच्चों के साथ आप जब भी इस तरह करते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा प्ले करते जाइए और देखिए इस तरह से आप सिकाई करेंगे तो आराम से बच्चा करवा लेगा। और जो भी गठान वगैरह अगर आ गई है ना तो आप क्या करें कि 2-2, 3-3 घंटे में इस तरह की सिकाई ज़रूर से बच्चों को दें। और आप देखेंगे कि अगर आपने दिन भर की सिकाई भी दी ना, 4-6 सेक के बाद बच्चे का जो स्किन है जहाँ पर आपको लगता है गठान आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये बहुत नॉर्मल है, गठान आना स्वेलिंग होना बहुत नॉर्मल है। तो जिस दिन वैक्सीन लगती है डॉक्टर से आप पूछिए कि कितने देर बाद से आपको सिकाई स्टार्ट करनी है, उतने देर से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने बारी भी बच्चे को आप वैक्सीन लगवाते हैं तो इसी प्रोसीजर से आप सिकाई करिए। अभी देखिए बच्चा बहुत देर तक आइस का जो पैड है मैं रख रही हूँ, फिर भी वो नहीं रो रहा है। ये तो इस तरह की सिकाई हर 2 से 3 घंटे में आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गठान बन रही है तो आप थोड़ी सेंसिटिविटी उसकी हटाकर इस पैर का जब ठंडा हो जाए थोड़ी थोड़ी देर रख के ही अच्छे से सेकिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है किसी को हेल्प कर सकती है तो ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय करो बाबू, बाय करो, बाय से बाय।